रहीम मोहतरम जनाब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इस वीडियो में हम बात करते हैं दिल हिला देने वाला जुल्म वाकिए की, जो इस तरह है। कुफ्फारे कुरैश ने जो अहदनामा तैयार करके कावे के दरवाजे पर लटकाया था, उसमें बातें तो बहुत कुछ लिखी थी, लेकिन जिक्र करने लायक कुछ ही बातें थी। एक तो यह है कि जब तक मुसलमान इस्लाम से फिरे नहीं और बुत परस्ती ने अपनाए, बायकाट बराबर जारी रहेगा। दूसरे, जो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहेंगे या उनका साथ देंगे, जैसे अबू तालिब वगैरह, उनका भी बायकाट बराबर जारी रहेगा। कबीला बनू हासिम से अबू लहब को छोड़कर मेलजोल शादी ब्याह और लेन देन वगैरह सब उस वक्त तक बंद रहेंगे जब तक अबू तालिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ न छोड़ दें। ये और इसी किस्म के बहुत से कायदे उसमें दर्ज थे। काबे के दरवाजे पर अहदनामा लटकाए जाने से तमाम कबीलों ने उस अहदनामे का एहतराम करना शुरू कर दिया। इस बायकाट की बुनियाद अब पर आम ख्याल यही पाया जाने लगा कि अब मुसलमानों के दिमाग ठीक हो जाएंगे, वे टूटेंगे, इस्लाम छोड़ देंगे, इसलिए फितना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। दुनिया की तारीख में इस किस्म के बायकाट की मिसाल इससे पहले नहीं मिलती कि खुद वतन वालों ने किसी गिरोह के लिए ज़बरदस्त बायकाट किया हो कि लोग दाने दाने को मोहताज हो जाएं। दर्रा अगरचे लंबा चौड़ा न था, पर इसमें दिलचस्पी का कोई सामान न था, न जरूरत, न जिंदगी की कोई चीज़ पैदा होती थी। मुसलमान नहायत तंगी से मजबूरी की हालत में अपनी ज़िंदगी के दिन काट रहे थे। चूंकि खाने पीने का सामान काफ़ी था, यह मालूम न था कि बायकाट कब तक रहेगा, इसलिए खाने पीने में बड़ी एहतियात करते थे। मुसलमानों के साथ बच्चे भी थे, औरतें, बूढ़े और जवान भी थे। नौजवान तो भूख और प्यास बर्दाश्त कर सकते थे, पर बूढ़े और बच्चे न कर सकते थे। मजबूरी सब कुछ करा देती है। बेचारे बर्दाश्त कर रहे थे या बर्दाश्त करने की आदत डाल रहे थे। सन 790 के मुहर्रम के महीने में यह बायकाट शुरू हुआ था। अब ज़िलहिज्जा आ गया था, गोया पूरा एक साल बायकाट जारी रहा। मुसलमान भूख और प्यास की शिद्दत से निढाल और बेहाल हो रहे थे। जो सामान ले आए थे वह ख़त्म हो गए थे, और सामान कौन लाता और किस तरह लाता। मजबूरी से मुसलमान पेड़ के पत्ते खाकर दिन काट रहे थे। चूँकि जिलहिजा के महीने में हज होता है, हज के दिनों में हर आदमी पर से पाबंदियाँ उठा दी जाती थी, इसलिए मुसलमानों पर से पाबंदियाँ उठा ली गईं, घेराव उठा लिया गया। मुसलमान दर्रे से बाहर निकले इस हाल में कि तन पर फटे पुराने कपड़े थे, भूख से कमज़ोर और ढाल थे, चलते हुए लड़खड़ाते थे। जालिम से जालिम आदमी भी इस हालत को देखकर रहम खा सकता था, मगर कुफ्फारे मक्का के दिल में रहम नाम की कोई चीज़ जैसे बाकी न रह गई हो, वे जरा भी न पसीजे। मुसलमानों ने सबसे पहले खाना काबा में जाकर नमाज पढ़ी, तवाफ़ किया, हज से फारिग होकर बाजारों में खरीद व फरोख्त के लिए गए। अबू जहल साथ गया, बावजूद कि आज हज का दिन था कोई मनाही नहीं थी, लेकिन वह आज भी लोगों को मुसलमानों के हाथ चीज़ें बेचने से मना कर रहा था। तमाम कुफ्फार अबू जहल की तरह जालिम नहीं थे। ज़्यादातर लोगों ने मुसलमानों की हालत पर रहम खाकर उनके हाथ सामान बेचा। शाम तक मुसलमान जितना सामान ले सकते थे ले आए, और इसके बाद फिर दर्रे में चले गए और पाबंदी लग गई। जब तक मुसलमानों के पास खाने पीने का सामान रहा, एहतियात से थोड़ा थोड़ा खाते रहे, पर जब खाने पीने का सामान खत्म होने लगा तो फिर फाकों की नौबत आ गई। मुसलमान खुद कम खाते, बच्चों को अच्छी तरह खिलाते, मगर अच्छी तरह क्या खिलाते, सिर्फ एक वक्त थोड़ा सा सत्तू घोलकर पिलाते थे। रात और दिन में सत्तू के कुछ घूंट क्या सहारा हो देते, कुछ ही घंटों बाद फिर भूख लग जाती। खाने के लिए बच्चे चिल्लाते, जिद करते, रोते, लेकिन खाना कहाँ था। जो दिया जाता उन्हें बहलाया जाता। सुबह कहते कि शाम को खाना मिलेगा, बच्चे शाम के इंतजार में चुप हो जाते, मगर जब शाम को हो जाती, खाना नहीं मिलता, भूख ज़्यादा लगती, तो फिर रोकर खाना मांगते थे। उनके रोने से हर मुसलमान का दिल मुतासिर होता था, मगर क्या कर सकते थे, खाना कहाँ से लाते, कैसे उनको खिलाते। तमाम बच्चे सूख कर काटा हो गए थे। कुरैश की जालिमाना पाबंदी से मुसलमानों की ज़िंदगी अजीरन हो गई थी। वे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ाई की इजाज़त मांगते थे और आप इजाज़त न देते थे। बगैर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के वे काम न करते थे। सब्र व इस्तिकाल से वे सख्तियां बर्दाश्त कर रहे थे।
सन 890 का साल सख्त गुजरा, फिर हज का जमाना आया और मुसलमानों के ऊपर से निगरानी उठा ली गई। मुसलमान दर्रे से बाहर आए, इस बार वे ज़्यादा कमज़ोर और निढाल थे। कुफारे मक्का ने उनकी यह हालत देखी तो वे हंसे और उनमें से अक्सर लोगों ने कहा, मुसलमानों क्यों इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हो, यह क्या जिंदगी है, न खाने को रोटी है न पहनने को कपड़ा, अफसोस ऐसी ज़िंदगी पर, तुम हमारे भाई हो, हमको तुम्हारी हालत देखकर अफसोस होता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दो, अपने बाप दादा का मजहब अपना लो, तुम्हारे लिए ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी कर दी जाएंगी। मुसलमानों ने जवाब दिया, हमने खुदा को पा लिया है, उसका मजहब अपनाया है, तुम हम पर चाहे जितना जुल्म करो, खाना न दो पानी न दो, जब तक जी चाहे बायकॉट किए रहो, हम इस्लाम का रास्ता न छोड़ेंगे। कुफारे मक्का को यह जवाब बहुत नागवार गुजरा और उन्होंने कहा, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो सिसक सिसक कर मरो, हम कर ही क्या सकते हैं। मुसलमानों ने हज किया, हज से फारिग होने के बाद बाजार में पहुंचे, कुछ सामान वगैरह खरीदा और फिर वह दर्रे में चले गए। फिर पहरा कायम कर दिया गया, इस बार पिछले वर्षों के मुकाबले में ज़्यादा सख्ती की गई। दिन गुजरने लगे, सन 990 शुरू हो गया। यह साल मुसलमानों पर बहुत सख्त गुजरा, खाने पीने का सामान बहुत जल्द ख़त्म हो गया और फांकों पर नौबत आ पहुंची। मर्द और औरतें तो फांका करते करते घास और पेड़ों के पत्ते और छाल वगैरह जो मिल गई थी खा लेते थे, पर बच्चे ये चीज़ें न खाते थे, वे रोते थे, सत्तू के एक घूंट के लिए, खजूर के एक दाने के लिए तरसते थे, भूख से बेताब होकर बेहोश हो जाते थे, उन्हें मौत के से करीब और ज़िंदगी से दूर देखकर माँ बाप के कलेजे मुँह को आते थे, पर सब्र की सिल सीने पर रखकर खुदा की रहमत का इंतजार कर रहे थे। मुसलमानों ने अपने चमड़े के मोजों को पानी में भिगोकर नरम किया, फिर भूनकर बच्चों को खिला दिया, यहाँ तक कि चमड़े के मोजे भी खत्म हो गए और बच्चे भूख से बेताब हो गए। लेकिन मुसलमान बेचारे करते भी तो क्या करते, अकेल उम्र में सबसे छोटा बच्चा था, भूख ने उसको इतना कमज़ोर कर दिया था कि उठ नहीं सकता था, हर वक्त पत्थर की चट्टान पर पड़ा रहता था। माँ बाप और उसकी इस हालत को देखते, लेकिन वे करते ही क्या, अकेल पर गफलत तारी हो गई। माँ का कलेजा प्यारे बेटे को गाफिल देखकर टुकड़े टुकड़े हुए जा रहा था। अकील बीमार नहीं था, बल्कि भूख की जाती ने उसे मौत के किनारे पहुंचा दिया था। अकील ने आँख खोली, हसरत भरी नजरों से माँ को देखा, माँ तड़प गई, उसने अपने जिगर के टुकड़े को गोद में लेकर सीने से लगाया, मुँह चूमा और बोली, बेटा अकील, क्या तुम मुझे दगा दे जाओगे, ए अल्लाह मेरे बच्चे को बचा ले, मेरा बच्चा भूख से दम तोड़ रहा है, लोगों मैं कैसे जब्त करूँ। दर्दमंद माँ ने यह कहते ही बेख्तियार रोना शुरू कर दिया, जो लोग उसके पास बैठे थे उनके भी आंसू जारी हो गए। अकेल ने अपनी माँ के गले में बाहें डालकर निहायत कमज़ोर आवाज़ में कहा, माँ भूख रोटी। अकेल बेहोश हो गया, माँ के भी आंसू जारी हो गए, उसने सिसकियाँ भरते हुए कहा, क्या चीज़ खाने को दूँ, हाय मेरे बच्चे, कैसे मैं तुझे बचाऊँ, अल्लाह रहम कर मेरे बच्चे पर, मैं अपने बच्चे की भूख से तड़प तड़प कर मरते हुए कैसे देखूँ। पास ही अकील का बाप भी बच्चे की हालत देखकर रो रहा था। अकील की हालत बस से बदतर हो गई, आंखें बंद होने लगी, माँ बाप तड़प गए यह देखकर कि अकील का आखिरी वक्त आ गया है। माँ जब्त न कर सकी, अपना सर पत्थर पर दे मारा, खून का दरिया बह निकला, दूसरी औरतों ने लपक कर उसे संभाला। अकील का बाप अपनी बीवी की हालत पर जब्त न कर सका, फूट फूट कर रोने लगा। तमाम औरतें और बच्चों पर इसका बेहद असर हुआ, सब जोर जोर से रोने लगे, रोने की आवाज़ें दर्रे में गूंज कर बाहर निकली। संगदिल पहरेदार रोने की आवाज़ सुनकर खुश हो गए, उन्होंने कहा, अब ये लोग मरने लगे हैं, यकीनन कोई मर गया है, जो ये लोग रो रहे हैं, यकीन है कि सब अब ये सब बाप दादा के मजहब में आ जाएंगे या भूख प्यास से मर जाएंगे। अकील और उसकी माँ की हालत चिंता में डालने वाली बनती जा रही थी। अबू तालिब भी पास बैठे देख रहे थे, उनसे जब न हो सका वह उठकर आपके पास पहुँचे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़े हुए थे। कुछ देर बाद जब आपने सजदे से सर उठाया तो अबू तालिब ने कहा, मेरे प्यारे भतीजे, अब हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, सब्र का दामन हाथ से छूटने वाला है, बच्चे भूख के मारे मरने वाले हैं, मैं कुरैश से जाकर रहम की दरख्वास्त करता हूँ। आपने फरमाया, चचा मुझे खुदा ने खबर दी है कि जो जालिमाना अहदनामा लिखवाया गया था उसे कीड़े ने खा लिया है, जिस जगह अल्लाह का नाम लिखा है वही बची है, थोड़ा और रुक जाइए, अल्लाह यकीनन मदद करेगा। अबू तालिब ने कहा, अच्छा, और मैं थोड़ी देर इंतज़ार करूँगा।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ अकील को देखें, मैंने उसके लिए दुआ की है। दोनों उठकर चले। जब वे अकील के पास पहुँचे तो वह गफलत में था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। आपने उसे अपनी गोद में उठा लिया। ठीक उसी वक्त हजरत खदीजा एक हाथ में कुछ दूध और दूसरे हाथ में कुछ खाना लिए हुए आई। उन्होंने फरमाया, मेरे भतीजे हकीम ने यह सामान मेरे लिए भेजा है, यह थोड़ा थोड़ा करके सब बच्चों को खिला दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध लेकर अकील के हलक में टपकाया। कुछ ही देर बाद उसने आंखें खोली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला उसके होठों से लगा दिया। उसने बड़ी बेसब्री से दूध पिया और कुछ ही होठ में तमाम प्याला खाली कर दिया। अबू तालिब ने हजरत खदीजा का खाना तमाम बच्चों में बांट दिया। अकील की हालत सुधर गई, माँ बाप की जान में जान आई। तमाम मुसलमान बहुत खुश हुए। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब से कहा कि आज बायकॉट खत्म हो जाएगा। अबू तालिब उठकर रवाना हुए। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे दर्रे से रिहाई वाकिए के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।